चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। दर्शाई गई रेखाखंड ए एफ और सीई विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करते हैं। तो अब जरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, ई और एफ भुजा ए बी और डी सी के मध्य बिंदु। आप डायग्राम देख सकते हैं, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। इसमें बताया पी और क्यू बी डी को समद्विभाजित करते हैं, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो उत्पत्ति में चलता ई और एफ भुजा ए बी और डी सी के मध्य बिंदु, ये हमने अभी ऊपर देखा था। तो उसी के अनुसार हाफ ऑफ ए बी करेंगे या हाफ ऑफ डी सी करेंगे तो ए बराबर सी एफ हो जाएगा। जब ए सी एफ के बराबर होगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ए एफ और ई सी ये भी पैरेलल हो जाएंगे या ए सी एफ ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो बी ए पी में हम चलते हैं ट्राइंगल बी ए पी के अंदर। बी ए पी में ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। और जब ए बी का मध्य बिंदु हुआ तो हम कह सकते हैं ई क्यू पैरेलल ए पी, क्योंकि इसके अनुसार समीकरण एक से। तो क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम में बताई गई है। तो हम कहेंगे पी क्यू इक्वल टू क्यू बी होगा। ओके, क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। देखते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब इसी प्रकार जैसे सारा किया था ट्राइंगल डी सी डी क्यू सी में, डी क्यू सी इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे तो क्या है डी पी इक्वल टू पी क्यू, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे, क्योंकि जो भी हमने इसी प्रकार बोला जो सारा पूरा प्रोसेस करने के बाद में। तो हमें एक बात समझ में आई कि पी क्यू क्यू बी के बराबर है, पी क्यू डी पी के बराबर है, तो हम कहेंगे डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाले ये और ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे पी और क्यू बी डी को समद्विभाजित करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।